क्या आप लोगों को पता है क्या किसी व्यक्ति की नाम, चेहरे, आवाज की कॉपीराइट मिल सकता है? आज हम इसी पे बात करूंगा। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर अमिताभ बच्चन, जी हाँ, उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ख़ासतौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे क्या होता था, जैसे ख़ासतौर पर मेरे पास भी मैसेज आया था। जनरली लोग क्या करते थे, फ्रॉड ग्रुप, एक ग्रुप था, बहुत सारे ग्रुप हैं वैसे, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर की, होता क्या था कि लोग व्हाट्सअप पे KVC का लोगो लगा के उसके बाद में उसमें कुछ कोड भेजते थे जिसमें अमिताभ बच्चन की फ़ोटो भी यूज की जाती थी। वो बताया जाता था कि आप कौन बनेगा करोड़पति के आप विजेता हैं, आप ये कोड डालिए, वो डालिए, इसके इससे इसमें OTP ले लेते, तो मतलब फ्रॉड होता था, जिससे बहुत ज़्यादा परेशान होकर जो बॉलीवुड के मशहूर चेहरे हैं अमिताभ बच्चन जी, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन डाली थी कि और कॉपीराइट की जो मेरी आवाज़ है, मेरी जो आवाज़ है और मेरी जो शक्ल है, क्या कहते हैं, जो मेरा नाम है, ठीक है, उस पर कॉपीराइट दिया जाए ताकि कोई भी मतलब मेरे बिना अनुमति के कोई उसको यूज ना कर सके। और माननीय हाईकोर्ट महोदय ने परमिशन भी दे दिया, तो आज अब से अमिताभ बच्चन की जो भी कोई आवाज़ यूज़ करना कर रहा है या कॉपी करके कर रहा है या उनका फेस यूज़ कर रहा है, उनका फ़ोटो यूज़ कर रहा है, तो वो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आपके अगेंस्ट कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। और अगर आप यूट्यूबर हैं या कुछ भी हैं XYZ, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका चैनल ब्लॉक हो सकता है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है और ये क्रिमिनल कैटेगरी में आएगा। इसलिए कॉपीराइट क्लेम जो होता है उसको मैं ध्यान रखते हुए, आप लोग कभी भी अगर यूज़ करना है तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखें, किसी की फ़ोटो कोई भी यूज़ करना होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, काफ़ी रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।